हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम आशीष सक्सेना और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास स्पेशली फॉर क्लास 10, आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, सो आप लोग मेन मेन कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और जनरली आपको पता होगा सिलेबस में क्या क्या आपको आना है। चैप्टर फर्स्ट लाइव प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस में जो सिस्टम दिए गए, फोर सिस्टम दिए गए, लाइक फर्स्ट कौन सा है, डाइजेशन, सेकंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट एज द एक्सक्रीशन सिस्टम। सो सपोज डाइजेशन में दिया था कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है डाइजेशन, या सपोज इसमें स्टडी प्लांट्स का आपने स्टडी किया होगा, एनिमल्स, देन एज द यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। सो स्टार्टिंग एज द न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड हेटरोट्रॉप्स इंक्लूड एज द मोस्टली एनिमल्स। देन लाइक एज द यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, स्टार्टिंग न्यूट्रिशन एज अ डिफरेंट स्टेप, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट एज द इजेशन, इट्स द न्यूट्रिशन स्टेप। द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग स्टार्टिंग एज द माउथ, माउथ प्रेजेंट टीथ एंड टंग, एंड टीथ इट हैव द फिजिकल डाइजेशन एंड टंग इट हैव द केमिकल डाइजेशन। देन एज द इसोफेगस, स्टोमक, नियर द स्टोमक प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड फर्स्ट इज स्टार्ट एज फूड माउथ, सलाइवा, सलाइवा प्रेजेंट सलाइवरी माइलेज। द फंक्शन ऑफ सलाइवरी माइलेज, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। देन एज द स्टोमक, नियर द स्टोमक प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट डिफरेंट एंजाइम्स, एससीएल, पेप्सिन, म्यूकस। अब सपोज यहाँ पे यदि फंक्शन है फंक्शन ऑफ एस सी एल, पेप्सिन, म्यूकस, लाइक द एस सी एल क्या करता है, जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देगा और प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, एंड पेप्सिन एंड म्यूकस इट हैव द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एंड द मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। देन अब देखिए स्टोमक के अपन क्या होता है, लीवर, और लोअर क्या होता है, पेंक्रियास। तो लीवर में क्या होता है, बाइल जूस, और पेंक्रियास में क्या होता है, पेंकेटिक जूस। तो बाइल जूस और पेंकेटिक जूस दोनों पसेज होते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट, बाइल डक्ट और पेंकेटिक डक्ट, और दोनों ओपन कहाँ पे हो रहे हैं, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इट इज कॉल्ड विली। विली इंक्रीज द सर्विस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो विलाई होती है। ओके, तो जनरली आप देखिए यहाँ पे लीवर में क्या होता है, बाइल जूस, और बाइल जूस में क्या होता है, बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट, इट हैव द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सपोज और भी क्वेश्चन दिए गए इसमें कि डिफर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। यहाँ पे क्या डिपेंड करता है, जो हर्बीवोरस एनिमल है एक जो ईट करते क्या करते, ग्रास, एंड ग्रास प्रेजेंट सेलुलोज, सो सेलुलोज कैन नॉट इजी डाइजेस्ट, सो मे बी डिफर एज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सो यू नो एज द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंज सिंपल फॉर्म, इट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट चेंज ग्लूकोज, प्रोटीन चेंज एमिनो एसिड, फैट चेंज फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, सो इट्स द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसके बाद क्या होता है, जो देन इज द नेक्स्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें भी दिया गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहाँ पे लंग्स का मेन पॉइंट दिया एल्वोली। एल्वोली क्या होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इट इंक्रीज द सर्विस एरिया, देन इट्स द इफेक्ट ऑफ इजियर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देन एज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन,
means six molecules are break down, that formation of three molecules, and these three molecules it is called pyruvate. और जल्दी तो पायरोवेट्स फॉर्म में होता है यहाँ पे, तो थ्री कंडीशन थी यहाँ पे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो बात आएगी अब्सेंस में किसकी बात आ जाएगी बताइए, एनारोबिक. और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक. और समटाइम एज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, सो एज द फॉर्म एज अ लैक्टिक एसिड. ओके, देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल, लाइक एज द प्लांट्स, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड एज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल लीड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग, लाइक एज द ब्लड एंड लिम, दी आर टू लिक्विड प्रेजेंट, and these liquid it has the transportation system in human being, like as the human heart. Human heart present as the four chamber, and generally both the side blood becomes separate, so it is also a one blood animals. Okay, and its effect of separate blood, then increase the more supply of oxygen. Then last as the excretion system, like as the human being. And the main excretory organ human being as a kidney, and the unit of kidney nephrons. Then यहाँ पे study किया हुआ excretion system in plants, excretion system in human being. और अपने doubt बताते रहिए, आपको जहाँ भी doubt है तो message कीजिए, आपको answer provide किया जाएगा. ओके, अभी आगे और भी हम अच्छे टॉपिक अपडेट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे. और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू.